हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे देश के हजारों गांवों की तरह सरस गांव भी दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ था शक्तिशाली नीलचंदी समाज का इलाका। ये लोग पारंपरिक तौर पर जमींदार थे और सदियों से गांव में दबदबा इन्हीं का रहा था। और दूसरी तरफ था तोलारी समाज का इलाका। ये लोग नीलचंदियों के खेतों में मजदूरी करते थे। सदियों से गांव में इनका पलड़ा हल्का ही रहा था। नीलचंदी और तोलारी समाज सदियों से एक साथ रहते आए थे और इनके साथ इनके बीच की रंजिश और तनाव भी चलता आया था। दोनों समाजों को एक दूसरे की जरूरत थी। नीलचंदियों को मजदूरों की जरूरत थी और तोलारियों को मजदूरी। इस परस्पर निर्भरता के बने रहने के लिए गांव में शांति बनाए रखना अनिवार्य था। पर बहुत जल्द एक जुर्म की श्रृंखला इस सारे गांव को झकझोर देने वाली थी। नीलचंदी और तोलारी समाज युद्ध के कगार पर खड़े होने वाले थे। देखो साहब लोग तुम्हारे लड़के को ढूंढ रहे। तुम दोनों यहाँ कल शाम से बैठे हो, न घर गए न खाना खाया। थोड़ी सी चाय है, पी लो। तुकाराम, हाँ? तुकाराम, हाँ? तुकाराम, क्या हुआ? मैंने तेरे राहुल को देखा रे तुकाराम। क्या? कुटा कुटा देखा बोलना। वो नीलचंदियों के खेतों में। किसने मार दिया मेरे बच्चे को? अरे तू ठीक से देखा क्या? अरे वही था क्या? हाँ तो खरा, मैंने ठीक से देखा, वही था। हाँ तो चल। एक मिनट तुम दोनों यही रुको। हाँ तू अपने घरवाली को संभाल, तू अंदर आ। सब मेरा बच्चा उधर, मुझे जाने दो ना। बच्चा, बच्चा। ठीक है विलास, तुम उसे लेकर खेत पर पहुंचो। एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भी बुला लेना। सर, नीलचंदी पाड़ा खेतों में राहुल की लाश मिली है एक गांव वाले को। सचिन, गाड़ी फिरो। साहब, मैंने किसी और को देखा नहीं आते जाते हुए। और कोई नहीं आता खेतों में दो नंबर करने? ना के बराबर साहब। तू लगे ओळख लेस मुलाला। साहब, हमारी तोलारी समाज का लड़का है, चार घर छोड़ के रहता है। सर, पूरा खेत छान मारा, कुछ नहीं मिला। जहाँ शायद उस पर हमला किया गया और उसे मार दिया गया, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए। खेत में जाते वक्त राहुल के हाथ में एक मोबाइल फोन था, लेकिन लाश के पास पुलिस को कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। ये माजरा क्या? गरीब किसान तुकाराम तोलारी और उसकी पत्नी मालती के बेटे राहुल को आखिर किसने मार दिया और क्यों? तुकाराम, मालती, तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज में। तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही, हम सब भी हैं। तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश भाऊ, आप हमारे समाज के मुखिया हैं। आप भी पुलिस को सीधा सीधा जाके बता क्यों नहीं देते कि कौन है इस सबके पीछे? हम सब जानते हैं कि सुखीलाल नीलचंदी का किया करा है। मैं खुद जाता हूँ। नहीं नहीं भाऊ, अभी आप वहाँ नहीं जाएंगे। पर कहाँ नहीं? क्योंकि भाऊ, उन लोगों ने हमेशा की तरह जात पात का मामला बना के रखा है, और वो जीतू की बहन रोहिणी, उसने खुलेआम आपका नाम लिया है। काय? लेकिन तुकाराम खुद कभी मेरा नाम नहीं लेगा। सालों से हमारी खेतों में मजदूरी कर रहा है।
मेरी उसके साथ अच्छी पड़ती है, तुम जानते हो क्या? वो सब हम जानते हैं, लेकिन तोलारियों को ऐसा मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं ना। मकसद तो कत्ल का ही था, इसमें कोई दो राय नहीं इंस्पेक्टर। खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं इंस्पेक्टर, सीधे कत्ल कर दिया गया। और हाँ, इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ होगा। जी, फॉरेंसिक टीम ने ब्लड सैंपल्स मैच करने के लिए अलग कर लिए। डॉक्टर, वैसे मौत कितने बजे हुई होगी? शाम के वक्त सुनसान खेत में अकेला बच्चा, ये गया क्यों था? इसे वहाँ किसी ने बुलाया तो नहीं था? सर, ये खेत दरअसल किसी एक नीलचंदी परिवार का नहीं है, ये उनके समाज के नाम सालों पहले कोई छोड़ गया था, पर उसकी देखभाल नहीं होती थी ढंग से, इसलिए जंगल जैसे बड़ा हुआ। फिर भी हमारी टीम ने और गांव वालों ने मिलकर एक एक इंच खंगाला है, लेकिन हमें इस केस से रिलेटेड कुछ नहीं मिला सर। अब देखते फॉरेंसिक रिपोर्ट से कोई मदद मिलती है, पत्थर पर कोई फिंगरप्रिंट्स या और कोई ऐसी बात जिससे इस केस को नया एंगल मिल जाए। सर, खेतों से लौटते वक्त मुझे दो बच्चे दिखे। रुको, राहुल को जानते थे? राहुल दादा, वो तो हमारे बड़े भैया थे, उसके पापा और हमारे बाबा दोनों भाई भाई है। नाम क्या है तुम्हारे? सोनू प्रवीण तोलारी। पवन प्रवीण तोलारी। यहाँ क्यों आए तुम दोनों? ऐसे ही मैडम, पता करने कि क्या हुआ। तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था? नहीं मैडम, मतलब हाँ। सोनू, सच सच बोलो। कल शाम को ही और मैं खेल रहे थे। दादा दादा देखो। राहुल दादा रुकिए ना। क्या है? राहुल दादा खेलने आई है। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। अब परेशान मत कर और रख अपना तुच्छा गुलेल अपने पास। किससे मिलने जा रहे हो राहुल दादा? फिर राहुल दादा थोड़े आगे गए और खेत के अंदर घुस गए। तुम बच्चे अक्सर खेतों में आते हो खेलने? कभी नहीं, ऊपर से नीलचंदियों का इलाका है, हम इस तरफ कभी नहीं आते। तुमने किसी और को देखा था खेत में? राहुल के बारे में कुछ अलग लगा, कुछ अटपटा उसके बर्ताव में। हाँ। क्या, बताओ मुझे। पहले वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे, पर 8-10 दिनों से उनके पास मोबाइल के आ गया है, तब से हमारे साथ खेलते नहीं और बात भी नहीं करते, और एक भी गेम मोबाइल में खेलने नहीं देते। गांव में किसी और बच्चे के पास फोन नहीं है? तुम दोनों के पास नहीं है? हम तोलारी बच्चों में किसी पास मोबाइल नहीं है। कहीं इस मोबाइल को लेकर कुछ हुआ ना हो? सर, ना लाश पर मोबाइल, ना क्राइम सीन पर मोबाइल। कातिल शायद मोबाइल अपने साथ लेकर गया था। क्यों? सर, तुकाराम आया। किसके बारे में पूछ रहा है? भेज दो सर। राधिका, तुकाराम की बीवी और रिश्तेदारों से बात करो, और शास्त्री, खबरियों से बात करो। आ जाओ। साहब, कुछ पता चला किसने मारा मेरे बेटे को? बैठो तुकाराम, बैठो। बैठ। किसी के साथ दुश्मनी थी? 11 साल का बच्चा सर, किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? तुकाराम, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? गरीब का एक ही दुश्मन साहब, गरीबी। पूरी जिंदगी इसी से लड़ने में जाती है। मैं तो अपने बेटे राहुल को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था। तुमने राहुल को मोबाइल फोन लेकर दिया था? बच्चा था मेरा साहब, बचपन में मेरे कोई लाड नहीं किए, इसलिए थोड़ी बहुत मैं करता था उसके। तुम्हारे तोलारी समाज के और बच्चों के पास फोन नहीं है, सिर्फ राहुल के पास फोन था। उसको फोन पे खेल खेलने का भूत सवार था, बहुत जिद की उस, इसलिए सेकेंड हैंड फोन खरीद दिया था, वो भी सबसे सस्ता वाला, उसमें सिम कार्ड भी नहीं था साहब। क्या हुआ रे, एक हफ्ते में दिल भर गया तेरा फोन से? सारे गेम्स खेल लिए बाबा, ऑनलाइन तो कुछ खेल नहीं सकता, सिम कार्ड ही नहीं है। ये मेरा फोन ले, इसमें सांप वाला खेल है, खेल। मुझे नहीं खेलना, इस पे इंटरनेट तो है नहीं। मम्मी के मोबाइल में इंटरनेट है, लेकिन वो खेलने देती नहीं। अब एक काम कीजिए ना, मेरे मोबाइल में नया गेम डलवा दो ना बाबा, प्लीज। बेटा, मुझे नहीं पता कैसे डलवाते हैं, तुझे फोन चाहिए था, मिला दिया। चाप साहब ने फोन लाया ना बाबा, उसको बोलो वो नया गेम डाल के देगा। कितने पैसे लगेंगे? वो तो मुझे नहीं पता, अगर महंगा होगा तो मत डलवाना। अपनी ताकत में रहेंगे तो अगले हफ्ते डलवा दूंगा, जब तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, थैंक यू बाबा। तनख्वाह मिलने से पहले मेरा और कातिल अपने साथ फोन भी लेकर गया है। ये फोन के लिए मेरे बेटे को मार डाला, ये अभी पता चलना बाकी है। फोन में कैमरा था? हाँ साहब,
वहाँ चेट्स की फोटो लेता था, फिल्म बनाता, खूब हंसता था। क्या क्या फिल्म बनाता है रे तू? अरे बाबा ये तो कुछ नहीं है, ये देखो मम्मी, ये देखो गांव में, ये स्कूल के रास्ते पर, हाँ अब ये देखो ये खेतों में। तुकाराम, क्या राहुल ने अपने फोन में ऐसा कुछ कैद किया था या फिल्माया था जो उसे नहीं करना चाहिए था? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि उसने कुछ तस्वीरें ली हो या कुछ फिल्माया हो और आप लोग वो दिखाया ना हो। बचपना था, हर चीज में हंसी आती थी मेरे राहुल को, हर चीज का वीडियो बनाता था। शायद गांव में कोई चोरी छुपे कुछ कर रहा हो और तुम्हारे राहुल ने उसे देख लिया हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारे इर्द गिर्द जान पहचान में कोई ऐसा है जो गैरकानून काम कर रहा हो और राहुल ने उसे मोबाइल पर कैद कर लिया हो। किसी पे शक है? कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार? जी ऐसा कोई नहीं था, और सिर्फ 11 साल का था मेरा राहुल, कुछ छुपाता नहीं था वो। घर से इतनी दूर खेत की तरफ तुम्हें बताकर गया था? पता कैसे चला कि राहुल गायब हुआ है? राहुल के पापा के खेत से घर लौटने के 1 घंटे पहले तक राहुल हमेशा घर वापस आ जाता था। उस दिन मैं काम में उलझी हुई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। उसके बाद मैं राहुल को ढूंढने गई। सोमेश्वरी, राहुल को देखा क्या? नहीं, घर नहीं आया। नहीं, मैं उसे ढूंढने ही जा रही हूँ। अच्छा मैं भी आती हूँ। राहुल, 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 बाड़ा राहुल दादाला पाहिलंस का? राहुल, मीना ताई, मेरे राहुल को कहीं देखा क्या? नहीं घर, वो घर नहीं आया क्या? नहीं, पूरा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। रोहिणी, मैं मालती के साथ राहुल को ढूंढने जा रही हूँ। मालती ताई, राहुल ने कुछ कहा था कि कहाँ जा रहा है? नहीं रोहिणी, कुछ नहीं कहा। चलो जल्दी करते। राहुल, 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 दादा राहुल पाहिले कुठे? राहुल, बेटा कहाँ हो तुम? राहुल, 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 अरे राहुल, 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 देर रात तक हम ढूंढते रहे, फिर जाकर हम आप लोगों के पास आए शिकायत लेकर, और फिर खबर मिली कि मेरे राहुल की लाश मिली है खेत में। कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा अपनी मस्ती में रहता था मेरा बेटा। तुम तुकाराम के छोटे भाई हो? जी हाँ, प्रवीण तोलारी। क्या लगता है आपको राहुल को किसने मारा होगा? हम सब भी हैरान है मैडम इस हादसे से, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई तुकाराम के बीच कोई खानदानी दुश्मनी, कोई जमीन का मसला वगैरह? जी नहीं मैडम, हमारे बीच परिवार में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आप जानते ही हैं तोलारी समाज की पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है जमींदार नीलचंदियों के साथ। कोई खास नाम? हमारे समाज के लोगों को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें। बोल मुकुल, क्या खबर है गांव की? साहब ये जात पात का लफड़ा लग रहा है, तोलारी समाज के मुखिया से बात हुई। सुखीलाल नीलचंदी, वो तो नीलचंदी समाज का मुखिया है ना, उसका नाम तो काफी अच्छा है। सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। उस आदमी के मुंह में राम बगल में छुरी है, नफरत करता है वो हमारे लोगों से। लेकिन ओम प्रकाश भाव, एक 11 साल के बच्चे के साथ कैसी दुश्मनी? किसी के बच्चे को मार डालो उससे ज्यादा दर्द हो सकता है उसे? यहाँ उसने हमारे पूरे समाज को दर्द दिया है, भयंकर दर्द। लेकिन आपके पास कोई सबूत या सुराग है? सबूत ये है कि बच्चे को उनके ही खेतों में मार डाला गया। हिम्मत नहीं हुई ना बड़ों पर वार करने की? हमारे समाज में से कोई ऐसा करेगा? जानस ही नहीं है। वही है, वही है सुखीलाल नीलचंदी। ये सुखीलाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जानता हूँ मालिक, लय भारी आदमी है, दूर दूर तक पहुँचे। हाँ फिर भी नजर रख उस पे, पता कर माजरा क्या है, ये लोग उसका नाम क्यों ले रहे हैं? अगर जात पात का झगड़ा है भी तो बच्चे का मोबाइल क्यों लेके जाते?
ये आंकड़ा कुछ फिट नहीं बैठता। मोबाइल फोन बिना सिम का सस्ता सेकंड हैंड मोबाइल फोन लाश से अलग किया जाता है। क्यों सर? ये भी तो हो सकता है कि खेतों में कोई कपल मिल रहा हो, बच्चे ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हो और उसी गर्मा गर्मी में बच्चे को मार डाला गया और मोबाइल छीन लिया गया। लेकिन सर ये इत्तेफाकन मर्डर नहीं लगता, क्योंकि राहुल किसी को मिलने जा रहा था। दिखता नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे किससे मिलने जाना है? उसे मिलने बुलाया और वो चला गया, तो जाहिर सी बात है वो राहुल के जान पहचान वाला ही होगा जिसने राहुल को खेतों में बुलाकर उसे मार डाला और मोबाइल रख लिया। सर दूसरा, जाना पहचाना कातिल। तुकाराम का कहना है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तुकाराम की बीवी मालती ने भी यही कहा, लेकिन उसके छोटे भाई प्रवीण ने जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का नाम। हमारे समाज के लोगों को लगता है उस जमींदार सुखीलाल नीलचंदी का हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। खबरी मुकुल से तोलारी समाज के मुखिया ओम प्रकाश तोलारी ने भी यही कहा कि उन्हें भी ये लगता है कि इस सब में सुखीलाल नीलचंदी का हाथ है, जात पात का झगड़ा। फिर सुखीलाल का नाम वही तो सर। सर तीसरा, सुखीलाल नीलचंदी जात पात का मसला। सर सर आप जरा आके उस औरत से बात कीजिए ना, पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा है। कौन औरत? वो तोलारी समाज की तूफान मेल, रोहिणी तोलारी। हद हो गई, हमें इंसाफ चाहिए, बुलाओ अपने साहब को अभी, अभी के अभी बुलाओ। क्या हो रहा है रोहिणी, क्या हल्ला मचा रखा है? हल्ला नहीं करेंगे तो आप लोग सुनते कहां हैं साहब? 2 महीने हो गए हैं, इनका बेटा और मेरा भाई जीतू गायब है और साथ में इनका बेटा कमलू भी गायब है। क्या कर रहे हैं आप लोग उस बारे में? उधर देखिए, जितेंद्र रवि तोलारी उर्फ जीतू, कमलेश सुरेश तोलारी उर्फ कमलू, दोनों की खोज जारी है। इनके फोटोग्राफ्स हर पुलिस स्टेशन में लगे, खबरी काम पे लगे हुए, काम हो रहा है। इतना मुश्किल होता है क्या साहब दो लोगों को ढूंढना? वहां नीलचंदी का कोई बछड़ा भी गायब होता है तो पूरी फौज लग जाती है आपकी, और 24 घंटों में यूं ढूंढ निकालते हैं पुणे। तुम कहना क्या चाहती हो रोहिणी? मैं वही कहना चाहती हूँ साहब, जब सुनना नहीं चाहते वही जब सुनकर अनसुनी कर देंगे, और वो है सच। और सच यही है साहब कि मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू को नीलचंदी के प्रधान सुखीलाल ने ही गायब करवाया, और उसने तगड़े पैसे ठूस कर आपके मुंह में से आपकी जुबान भी गायब करवा दी। 11 वर्षीय राहुल तोलारी के कत्ल के 2 महीने पहले सोलापुर के सरस गांव में एक और रहस्यमय वारदात हुई। गांव के 2 नौजवान जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू और कमलेश तोलारी उर्फ कमलू, ये दोनों अचानक एक ही रात को गायब हुए। रोज की तरह वो गांव के अनाज के गोदाम में अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने अपने घरों के लिए निकले थे, पर उस रात घर पहुंचे ही नहीं। अनाज के उस गोदाम का मालिक नीलचंदी समाज का सुखीलाल नीलचंदी था। दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है, जहां तक मुझे मालूम है दोनों जमकर शराब पीते बैठे होंगे किसी ठेके पर। हर ठेके हर अड्डे हर जगह पे ढूंढ लिया है सुखीलाल भाऊ, लेकिन उन दोनों का कहीं कोई पता नहीं। तो ओम प्रकाश जी जाओ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करो। वो तो हम अभी के अभी करने जा रहे हैं, पर इस बार ना हमारी शिकायत आपके खिलाफ होगी सुखीलाल जी। सभी लोग कान खोलकर एक बात सुन लो, एक एक करके बात करना, ना ही कोई चीखेगा और ना ही चिल्लाएगा। ये पुलिस स्टेशन है, पंचायत नहीं है। इंस्पेक्टर ये लड़की बकवास कर रही है, मैं अपने ही 2 मुलाजिमों को गायब क्यों करवाऊंगा, मुझे उससे क्या मिलने वाला? ठंडक, दिल को ठंडक, क्योंकि चोरी के झूठे आरोप में तो इन्हें फंसा नहीं पाए। उस दिन से 6 महीने पहले दिवाली को कुछ ही दिन थे, सुखीलाल की पत्नी विद्या घर पर अकेली थी, पर जब वो नहाकर बाहर आई तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। सुखीलाल जी आपको किसी पर शक है, कोई ऐसा जिसका यहाँ आना जाना है? अगर शक है तो बता दीजिए, हम तहकीकात करेंगे। हाँ शायद कुछ करने जैसा है। पिछले हफ्ते मैंने छत की मरम्मत के लिए सीमेंट मंगवाई थी, मेरे गोदाम में काम करने वाले 2 लड़के जीतू और कमलू सीमेंट लेकर घर आए थे। उस खिड़की के नीचे रख दो सारी बोरियां, वो कड़िया जब आएगा तब देख लेगा कैसे क्या करना है। और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, लगा ए जीतू चलो कर कर। ए जीतू कमलू ऐसा ले क्या कर रहे हो, जाओ दूसरी बोरिया ले आओ।
मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि चोरी उन्होंने ही की है, लेकिन और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे उन दोनों का बर्ताव भी अजीब लगा, ऊपर से दोनों पीने वाले लड़के, गरीब है, मन ललचाया होगा। सुखीलाल के शक के आधार पर पुलिस ने जीतू तोलारी और कमलू को गिरफ्तार कर लिया। इससे तोलारी समाज में हलचल मच गई। शास्त्री साहब, आप बिना सबूत के हमारे बच्चों को ऐसे नहीं उठा सकते। वो नीचंदी कुछ भी कहेगा तो आप लोग मान लेंगे क्या? हमारे बच्चे कोई गलत काम नहीं करते। अरे साहब, सर गलत काम करते तो मेहनत मजदूरी क्यों करते वो? आप अभी के अभी हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए साहब, वरना हमारा पूरा समाज रास्ते पे उतर आएगा साहब। दो मिनट के अंदर आप लोग ना सिर्फ पीछे हटेंगे बल्कि सीधा अपने घरों को, और जो बीच में आएगा वो हवालात। पुलिस ने उन दोनों लड़कों से कड़ी पूछताछ की, पर सारी कोशिशों के बावजूद पुलिस को दोनों से एक ही जवाब मिला। साहब, साहब हमें छोड़ दो साहब, हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। पुलिस को जीतू और कमलू के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें छोड़ दिया गया, और ये चोरी का केस बैक बर्नर पर चला गया था। 6 महीने से खुंदक थी इन्हें साहब, जब मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी का इल्जाम ना लगा पाए तब उन्हें गायब ही करवा दिया। इंस्पेक्टर, जब आपने मुझसे कहा कि आपको उन दोनों के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मैंने अपनी गलती मान ली और उन दोनों को वापस काम पे रख लिया, ताकि 6 महीने बाद आप इस सारा खेल फिर से खेल सको और कोई आप पे शक ही ना करे। रोहिणी एक मिनट, तुम सुखीलाल जी पर कौन से बुनियाद पर आरोप लगा रही हो? इन्होंने कौन सी बुनियाद पर मेरे भाई जीतू और कमलू पर चोरी के आरोप लगाए थे, और आप लोगों ने कौन सी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया था, उनकी कुटाई की थी? हाँ जवाब दीजिए। इनका खून खून और हमारा खून पानी, ये कैसा इंसाफ हुआ साहब? तुम्हें जितने भी वाहियात इल्जाम लगाने ना लगाओ, पर इतना याद रखो, जो गायब हुआ है उसे भले ही ढूंढा जा सकता, लेकिन जो अपनी मर्जी से भाग गया है ना, उसे ढूंढना बेहद मुश्किल। ये क्या हुई बात साहब, आप फिर से हमारे बिरादरी के लोगों को दोषी मान रहे हैं? जितनी संभावना उनके दोषी ना होने की है उतनी संभावना उनके दोषी होने की भी है। जब वो मिलेंगे या पकड़े जाएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं आपके दूध और पानी के चक्कर में उनका खून ना हो गया साहब। अब हमारे खून को हल्के में ना ले, अब हमारे खून बहने के दिन गए साहब, हम और नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे हम। बाबा, मैंने सोच लिया मैं क्या बनूंगा। क्या बनेगा बेटा, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर? नहीं, मैं आपकी तरह एक किसान बनूंगा। अरे नहीं बाबा, उतर उतर बैठ। नहीं बाबा, मेरे जैसा मत बनना, देख रहा है ना कमर कैसे टूटी है काम कर करके, और पैसे भी कितने मिलते हैं, कुछ नहीं। अरे बाबा, मैं सारे नए तरीके सीखूंगा, डिग्री लूंगा खेती करने की और फिर लोन लूंगा, और आपकी छोटी सी जमीन भी तो है। अरे बाबा, कितना सोच रखा है तूने। हमारी टीचर कहती है बाबा, जो भी करना हो ना उसके लिए सालों पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। उसे संभालना होगा तुम्हारा। हाँ, खुद के दिल पर पत्थर रख के संभालना होगा। मेरे दिल में कुछ नहीं है शरद बाबू, वह सिर्फ वो था और सिर्फ वो, सब खाली खलास। चलता हूँ। बोल मुकुल, क्या खबर? साहब, मैं जितना खोदते जा रहा हूँ इस तोलारी और नीलचंदी समुदाय के बीच काफी खून बहा है पहले। अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ क्या? ये जीतू और कमलू की कोई खबर? सुखीलाल ने मरवाया होगा उनको। साहब, ये जीतू और कमलू कोई अच्छे बच्चे तो थे नहीं, छोटे मोटे लपड़े उनके होते ही रहते थे, और वैसे ही सुखीलाल भी कोई विलन जैसा जमींदार नहीं है, उसका वाकई में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। और खोद मुकुल, और आदमी लगा लेकिन चुपके से, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। सुखीलाल पे इन दोनों के गायब होने की उंगली उठी है और राहुल के कत्ल की। सुखीलाल जी,
तांबा आप मेरे साथ चलिए। सिखिलाल जी सर आपका वेट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हम नीलचंदियों और तोलारियों के बीच में दुश्मनी रही है। एक दूसरे के गले काटे हैं आप लोगों ने। मैं किसी 11 साल के बच्चे का कत्ल क्यों करूंगा और वो भी तुकाराम के बेटे का। तुकाराम मेरा सबसे अच्छा सबसे वफादार और सबसे समझदार मजदूर है। वो नहीं तो मेरा खेत नहीं। गांव वालों को जो कहना है कहे, जो उंगलियां उठाना है उठाए, पर इस पूछताछ का कुछ तो सर पर होना चाहिए। 10 जून की शाम को 6 और 7 के बीच तुम कहां थे? मैं भाऊ के बंगले पर था। क्या कर रहे थे? महेश बाबा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। मैं घर में बैठकर अपने 2 पैग लगा रहा था। खेत में किसी बच्चे का कत्ल नहीं कर रहा था। कत्ल तो घर पर बैठकर 2 पैग लगाते लगाते भी करवाया जा सकता है। जिस तरह इस कमरे के अंदर बैठकर बिना सबूत के इल्जाम लगाया जा सकता है। अपना नंबर लिखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इस पैड की तरह पटका ना जाए तो चुपचाप ये पैड उठाओ और दोबारा से दो। गलती से ये मत समझना कि तुम यहां कुछ हो। थाने में इंसान या तो मुजरिम होता है या मासूम, और कुछ नहीं। देखिए मैं घोड़े पर सवार होकर आपके पास नहीं आया। आपने मुझे बुलाया, आप सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। तो दीजिए जवाब। बताइए जीतू और कमलू कहां है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मेरे घर से जेवर चोरी हो गए, अभी तक आपने चोर का पता नहीं लगाया। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, उन दोनों लड़कों को मैंने वापस नौकरी पर रखा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं चोरी उन्होंने ही की है। वो तो तभी पता चलेगा जब वो पकड़े जाएंगे। पर सुखीलाल जी मुझे लगता है वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, और अगर वो जिंदा है तो मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। और अगली बार आप मुझसे ये सवाल मत कीजिए कि जीतू और कमलू का है, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। और कुछ पूछना है कि अनुमति देंगे आप? सुखीलाल और उसके आदमियों के कॉल रिकॉर्ड्स कर तुरंत। जी सर। सुखीलाल को हम क्लीन शीट नहीं दे सकते। तुकाराम सालों से उसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच खटास पैदा हुई होगी या फिर ऐसी कोई बात जो अभी तक हमारे रडार पर नहीं आई। लिफाफा ले ले। जा दिया, मैं जाऊंगा तो सही नहीं लगेगा। सर हम इस बात पर सहमत हैं कि कातिल को जाना पहचाना रहा हो, हो सकता है वो सुखीलाल हो। खेतों फोन लोकेशन घर का दिखा सकता है अगर फोन घर पे छोड़ा हो। वो तो वो आराम से कर सकता है। राहुल जरा काका। मुझे मालूम था तू आएगा। तुझे अपने मोबाइल में नए गेम्स चाहिए थे ना? दे दे अपना फोन दे पक्का को, वो तुझे नए गेम्स डाल के दे। ये राहुल यहाँ देख। हो सकता है बच्चे ने मोबाइल में सुखीलाल के खिलाफ कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा, इसलिए सबूत और गवाह दोनों मिटा दिए। क्या मोबाइल में गेम डालने के बहाने बच्चे को खेत पे बुलाया और उसे मार दिया गया हो? क्योंकि मकसद मारना था। क्यों, कोई ठोस मकसद भी तो सामने आना चाहिए। सर ये कत्ल एक आग लगाने के लिए हो सकता है, दोनों गुटों के बीच एक चिंगारी, गुलेल से मारा गया पत्थर। मुझे लगता है कि तुकाराम से हमें दोबारा बात करनी चाहिए, कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा है। सर मुझे इसके बीवी के बारे में भी ऐसा लगता है, कुछ तो अटपटा है। सर मैं तुकाराम को लेकर आता हूँ। क्या शूट कर रहे हो? सुनो दिखाओ। राहुल राहुल क्या कर रहे हो? बिना बताए किसी का शूट नहीं करते राहुल। दिखाओ क्या बना। दिखाऊंगा। यार फोन दो। फोन दिखाओ। आज के बाद तुम मेरे फोन को हाथ नहीं लगाओ। मैं सिर्फ गेम्स खेल रहा था। मैंने कहा ना छुओगे नहीं।
तो बाबा मुझे खुद का फोन लेकर क्यों नहीं देते? देखो अभी कॉलेज जाने तक तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, जाओ बाहर जाके असली गेम्स खेलो, जाओ जाओ। आप बच्चे पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे? दे दीजिए ना उसे एक फोन, उसके सारे दोस्तों के पास है। सब करेंगे मतलब हम भी करेंगे, अपनी कोई सोच नहीं है क्या? ये चाय है या खीर? लाइए मैं दूसरी बना लाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपको हो क्या गया है? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए? बाबा हद है, ये तोलारी हम लोगों पर इल्जाम लगाए जाएंगे और हम बस चुप बैठे रहेंगे। चुप कौन बैठा है महेश? और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसका गुस्सा काफी समय से चल रहा है, जब से घर में चोरी हुई है ना, तो वापस उन्हें असद से। क्या वापस? क्यों महेश, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? मैंने कितनी बार पक्या दादा को बताया पर आप कुछ बोलते नहीं हो, करते नहीं हो। ये तोलारी आप पर, हमारे समाज पर बिंदास कीचड़ उछालते हैं, इन लोगों की औकात नहीं। ना ही बड़ा, गलत बात, किसी भी समाज के बारे में ऐसा नहीं बोलते। हाँ वो गरीब जरूर हैं, लेकिन उनकी मेहनत के कारण ही हम आराम से जी पाते। लेकिन उन लोगों ने हमेशा हमसे झगड़ा ही किया है बाबा। तो तुम्हारी पीढ़ी को इस झगड़े को मिटाना है, बढ़ाना नहीं है। वो लोग कभी पीछे नहीं हटते बाबा, हम ही लोगों को हमेशा सिर झुका कर निकल लेना पड़ता है। अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बात बात पर हाथापाई पे उतर आओ। पुलिस है, प्रशासन है, और हमारे लोग राजनीति में भी है। हमारे कोई लोग वोग नहीं है बाबा, ये लोग नीलचंदियों के जेब में है, हमारे सिर्फ हम लोग हैं, और हम लोगों के बीच में भी गद्दार है। नहीं साहब, मेरी सुखीलाल सेठ से कोई शिकायत नहीं। लेकिन तुम्हारे समाज वाले उस पर उंगली उठा रहे। सुनने में आया कि सुखीलाल के साथ तुम्हारा कोई पुराना मसला है, क्या मसला? तो तुम कह रही थी? हाँ मैडम, ये सुखीलाल का आदमी पकिया एक नंबर सा खड़ूस है। तो क्या हुआ उसे, कुछ किया, छेड़ा तुम्हें? नहीं नहीं वो नहीं, वो कल आया था यहाँ, इस तुकाराम को कुछ पैसे दे रहा था। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है? मैंने तो पहली बार ही देखा मैडम, पर ये हो क्यों रहा है? तुकाराम सुखीलाल के पैसे क्यों ले रहा है? वो लोग तो हमारे दुश्मन है। हमारे समाज की जो दुश्मनी है नीलचंदियों से, वो मेरी दुश्मनी नहीं है साहब। मैं कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ा हूं, मुझे तो बस अपने काम और अपने बच्चे से मतलब था, और मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो काम करने में मतलब ही नहीं रहा। काम के दौरान सुखीलाल या उसका आदमी पकिया या और किसी से कभी झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कभी नहीं। उल्टा कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और एक महीने का एडवांस भिजवाया, बोले काम मत छोड़ना, इज्जत करते हैं मेरी साहब, मेरे काम की। सुमेश्वरी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सुखीलाल ने राहुल को मारा या मरवाया होगा? कोई और माजरा? सालों से पड़ोसी रही हो तुम। देखिए मैडम, मेरा नाम नहीं आएगा ना? नहीं, बोलो। जिस शाम को राहुल गायब हुआ था, हम लोग पूरा गांव उसे ढूंढ रहे थे मशाल लेकर, मगर हमें लाश नहीं मिली। राहुल, राहुल बेटा कहाँ हो? राहुल। हाँ, दूसरे दिन किसी गांव वाले को मिली, नीलचंदियों के खेत में। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि राहुल अपनी मर्जी से खेत पर गया था? जब मैंने पूछा था राहुल के चचेरे भाइयों से, सोनू और पवन। तुम्हें पता था कि राहुल यहाँ आया था? नहीं मैडम, मतलब हाँ। राहुल दादा खेलने आई है? दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। जब आपने पूछा तब उन दोनों बच्चों ने आपको बता दिया कि राहुल खेत पे गया था, पर जब हम सब लोग पूरी बिरादरी उसे रात भर ढूंढ रहे थे तब दोनों ने चूं तक नहीं की। तो तुम ये कह रही हो कि किसी ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था? उनका बाप जो है रवि, तुकाराम भाऊ का छोटा भाई। भाइयों के बीच कोई मसला? भाइयों के बीच कोई मसला? जमीन। अरे दादा वो जमीन सड़ रही है। कुछ सड़बड़ नहीं रही है, हमारे पुरखों की जमीन है जो हमारे बाबा ने हमें दी है। अरे रुमाल जितनी जमीन है, बंजर है, अब खरीदार सामने से आया है। अरे मुझे आंसू देखी, हमें नहीं बेचनी है वो जमीन, हम हमारे बच्चों को देंगे, मेरे राहुल को, मेरे सोनू पवन को, वो उनके बच्चों को देंगे। ये बक दादा बुलाई महान है, मेहनती भी है, अच्छा खासा कमा लेता है और बचा भी लेता है, पर हर कोई तेरे जैसा नहीं बनना चाहता, कम से कम मैं तो नहीं बन सकता। एक सामने से खरीदार है अब तो,
अब तो ना मत कर। आता काय भी झालं तरी मेरा जवाब नाही हो। अरे पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है प्रवीण, इंसान की इज्जत भी कोई चीज होती है। आओ वहिनी तुम्ही तरी समजावा की। तो प्रवीण ने राहुल को मार डाला ताकि जमीन आगे बढ़ने का सवाल ही ना हो, और तुकाराम बेच दे, और दोनों बच्चों को भी चुप रहने के लिए कहा। एक मिनट, दोनों बच्चे सोनू और पवन मेरे साथ चलेंगे। साहेब, तुकाराम दादा, कुछ पता चला क्या किसने किया है? नहीं। तो साहब मुझे बस ना, सुनने में आया तुम दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है। 15/17 तोलारी पड़ा। तो इस जमीन का राहुल के कत्ले से क्या ताल्लुक है? तुकाराम तुम जमीन बेचना नहीं चाहते, और प्रवीण तुम जमीन बेचना चाहते। तो सिर्फ इतने के लिए मैं अपने भतीजों को मार दूंगा? सोनू, पवन, देखो तुम्हें सच बताना होगा। क्या तुम्हारे बाबा ने तुमसे ये कहा था कि किसी को नहीं बताना कि तुमने राहुल को खेत में जाते देखा था? नहीं मैडम, भगवान की कसम बाबा ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा था बोलने के लिए। तो फिर बेटा तुमने सारे गांव वालों को खेत वाली बात क्यों नहीं बताई? हम दोनों काफी डरे हुए थे कि राहुल दादा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें किसी को बोला नहीं। आपको मुझ पे शक है ना, तो इनसे भी पूछो ना। इन्होंने बच्चा खोया अपना, क्या इनको भी मुझ पे शक है? नहीं साहब, हमारी जमीन का मसला ऐसा कोई मसला नहीं है, और प्रवीण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। 10 जून की शाम को कहाँ था? मैं रहीम खान की जमीन पे काम कर रहा था, नंबर 2 उसका। पहले अपना नंबर दो प्रवीण। प्रवीण को क्लीन चिट नहीं दे सकते। प्रवीण तोलारी, जमीन का मसला। सर इसमें डाउट नहीं है कि राहुल को मारने के बाद तुकाराम जमीन को लेकर इतना नहीं बैठता। प्रवीण के पास मोटिव है जो हमें सुखीलाल की तरफ से नहीं मिला। कत्ल को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया सिवाय इस प्रवीण के एंगल। सर मुझे अब भी लगता है कि बच्चों को कुछ कहने से खामोश कर दिया गया। शास्त्री, मुकुल खबरी ने सुखीलाल के बारे में कुछ बताया? नहीं सर। तुकाराम खेतों पर लौट गया, अपने दर्द को दिन में वो पसीने में डुबोने लगा। दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन भी एक ऐसे मोड़ पर रुक गई थी जहां आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राहुल का कत्ल हुए अब 2 महीने बीत चुके। सर सुखीलाल पकिया प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, लोकेशन हिस्ट्री भी स्टडी की, लेकिन तीनों के खिलाफ कुछ शो नहीं हो रहा। हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर, पत्थर पे लगा खून राहुल के खून से मैच हो गया। पत्थर पर कोई फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, लगता है कातिल ने कत्ल करने के बाद फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। पत्थर से सर कुचला गया है। मुझे लगता है इस केस को हमें अलग एंगल से देखना चाहिए। हो सकता है ये कातिल बच्चों को मारने वाला कोई साइकोपैथ या फिर कोई तंत्र मंत्र वाला, जिसका इस गांव और उसके पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना। लेकिन सर, कातिल जाना पहचाना हुआ होगा। हो सकता है ये साइकोपैथ या तांत्रिक, उसने बच्चे से दोस्ती कर ली हो। वैसे भी ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपने शिकार से दोस्ती करने। खबरियों से पता करो गांव में कोई नया दिखा था क्या, और राधिका जितने भी पुराने साइकोपैथ और तंत्र मंत्र वाले हैं उन सब की हिस्ट्री निकाल। बल्कि 2 चौंकाने वाली खबरें आई। कमलक, तू? हेलो मुकुल भाई, लतीफ। मुकुल अपने लड़के को बोल वहां से ले, नजर बनाए रख, मैं भी कभी पहुंच रहा हूं। तुम दोनों में से कौन मुंह खोलेगा? इस बात पे चल रहा था झगड़ा,
अब मैंने तुकाराम दादा से एक सवाल पूछा था, क्या प्रवीण ने जो बताया है वो सच है? तुकाराम तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हारे इकलौते बेटे राहुल का कत्ल हुआ है। जो प्रवीण बोल रहा है वो सच है? क्या तुम भी इस कत्ल में शामिल थे? नहीं। तो फिर बोलो माजरा क्या है? तो बता कम कहां था इतने, और तेरा जोड़ीदार जीतू कहां है? ये सच है, मेरी पत्नी मालती और शरद बागवे के बीच रिश्ता रहा है मेरे सामने। तुकाराम तोलारे की पत्नी मालती का शरद बागवे के साथ अफेयर था और उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई थी। कौन था ये शरद बागवे? क्या राहुल के कत्ल का इस अफेयर से कोई ताल्लुक था? दूसरी ओर कमलेश तोलारी उर्फ कमलू, जो 4 महीने से गायब माना गया था, जिसे गायब करने का सुखीलाल नीलचंदी पर आरोप लगा था, वो खुद घर लौट आया था। इसका राज क्या था? और पुलिस में लगातार शिकायत करती रही रोहिणी तोलारी का भाई जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू अब भी गायब था। कहां था जीतू? क्या इन दोनों केसेस का अब संगम होने वाला था? क्या राहुल का कत्ल इन दोनों युवकों के गायब होने से जुड़ा हुआ था? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। कल रात खुलासा करेंगे 11 वर्षीय बच्चे के भयंकर कत्ल की साजिश का, जिसे बड़ी बेरहमी से रचा गया था और जिसके पीछे का मकसद काफी खतरनाक था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।